एक तो डीसी की मूवी, ऊपर से शज़ाम की मूवी, ऊपर से उसका भी सीक्वल, और उसके भी ऊपर से उसका भी ट्रेलर 2। तो मुझे पता है कि इस वीडियो का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने वीडियो इतना लेट क्यों बना रहा हूँ, तो इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, कल रात से यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, पिछले 2 दिन से काफी बारिश हो रही, तो लाइट वाइट नहीं थी, तो इसीलिए अब लाइट आई है तो फाइनली शूट करने का टाइम मिल गया, तो कर रहा हूं। शज़ाम 2 फ्यूरी ऑफ द गॉड्स जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, इसको देखकर ये लग रहा है कि अपनी पहली मूवी की तरह काफी इंटरटेनिंग होगी, इंटरेस्टिंग होगी, मजेदार होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मैटर करेगी? आई मीन, क्या जब पर्दा उठेगा तो डीसी की एवर चेंजिंग स्लेट, एवर अनप्रेडिक्टेबल कॉन्टिन्यूटी में क्या आपका टाइम वर्थ इन्वेस्टिंग है? आई मीन, इसका ट्रेलर 2 अभी अभी ड्रॉप हुआ ही है, और हम लोगों को जेम्स गन ने पिछले कई दिनों से प्रॉमिस कर दिया था कि जनवरी के पहले पहले स्टार्टिंग में वो अपनी स्लेट लॉन्च कर देंगे, वो बता देंगे कि वो डीसी को रिबूट करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, उनके अगले 10 साल के जो भी प्लान्स होंगे उसका एक छोटा सा पार्ट वो हमको बता देंगे। उन्होंने सुपरमैन की मूवी, मतलब जो नया सुपरमैन है हेनरी कैविल का, उसको रिबूट कर दिया है, ब्लैक एडम को बाहर फेंक दिया है, हमारे ड्वेन जॉनसन रॉक भाई साहब को पार्टा टाटा बाय बाय कर दिया है, और अब वो अपना सब कुछ नया करने वाले। इनफैक्ट सुपरमैन की मूवी को तो उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया, बस एक डायरेक्टर की तलाश है, हो सकता है वो खुद ही लिख दे। सुपरमैन की कास्टिंग को लेकर रूमर्स आना शुरू हो चुकी थी, जिसको उन्होंने डीबंक कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, कास्टिंग की लिस्ट अभी हमारे पास नहीं है और कास्टिंग की कोई भी न्यूज हम आपको अभी नहीं देंगे, अभी सिर्फ हम हमारी स्लेट का एक छोटा सा पार्ट आपको अनाउंस करके बताएंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ जेम्स गन है जो अपनी डीसी की स्लेट अनाउंस करने वाले हैं, मतलब डीसी को एक नया शेप देने वाले हैं, और वहीं पर डीसी वाले हैं जो अपनी पुरानी स्लेट, मतलब जो पुरानी डीसी की मूवीज हैं, इस साल 4 रिलीज करने वाले हैं, शज़ाम 2, फ्लैश, ब्लू बीटल और एक्वामैन का सीक्वल। और चलो ठीक है, फ्लैश को लेकर तो ठीक ठाक हाइप बनी हुई है, अगर नहीं है तो वो बैटमैन और जैसे तैसे करके बन जाएगी, धीरे धीरे उन पर बात करेंगे तो होने लगेगा, और जैसे उसका ट्रेलर आएगा तो उस पर भी बात करेंगे और वो जज होंगी धीरे धीरे करके। लेकिन शज़ाम का क्या? शज़ाम की फर्स्ट मूवी अच्छी थी, लेकिन एक कॉमन इंसान के लिए आज भी शज़ाम एक अननोन सुपर हीरो है। हम सुपर हीरो फैंस के लिए तो शज़ाम एक अच्छी मूवी है, लेकिन जब मैं अपने नॉर्मल दोस्तों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि कौन शज़ाम? प्लीज डीसी के फैंस ऑफेंड मत होना, लेकिन ये सच है। मैं जानता हूं कि शज़ाम प्रोबेबली डीसी की अभी तक की सबसे अच्छी मूवीज में से एक है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। वैसे में जेम्स गन जब कुछ ही दिनों बाद अपनी नई मूवीज और नई स्लेट और नए सुपर हीरोज के बारे में चीजों को अनाउंस करेंगे, तब क्या शज़ाम का इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस मैटर करेगा? तो देखो, सिंपल सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इस चीज की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो शज़ाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा। स्ट्रेट अवे इन लोगों ने प्लान बना लिया होगा कि ये लोग इस वाले शज़ाम को नहीं रखने वाले हैं, और उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, जब रॉक भैया का ब्लैक एडम सरवाइव नहीं कर पाए तो ये वाला शज़ाम कहाँ घंटे से सरवाइव करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता, उठा के बाहर फेंक देंगे इसको। और इसका बहुत ही सिंपल और लॉजिकल सा रीजन है, इसके एक्टर्स, नहीं मैं ज़ैकरी लेवाई की बात नहीं कर रहा, वो तो वैसे के वैसे ही दिखते हैं, लेकिन जो बच्चे वाले एक्टर्स हैं, जो बिली बैटसन का रोल प्ले करता है, वो सारे के सारे एक्टर्स बड़े होने लगे हैं, मतलब जितने भी एक्टर्स छोटे बच्चों के रोल प्ले करते हैं वो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, और अभी हम लोग शज़ाम के सेकेंड पार्ट में ही हैं, एंड ये सब के सब लोग अभी जस्टिस लीग से भी कनेक्टिव हैं, मतलब जो बिली बैटसन है वो जस्टिस लीग के साथ या सुपरमैन के साथ कनेक्टेड भी नहीं है, और शज़ाम एक्चुअली में जस्टिस लीग, टीन टाइटन्स, इनका थोड़ा पार्ट है। तो अगर आप इन्हीं के साथ कंटिन्यूटी को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हो, और उससे पहले ही आपके चाइल्ड एक्टर्स बड़े हो जाए, तो इट वुड नॉट मेक एनी सेंस टू गो ऑन और कैरी ऑन विद देम। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ज़ैकरी लेवाई और जेम्स गन और पीटर सेफ्रन काफी अच्छे दोस्त हैं, तो वो सोचे कि ठीक है यार, कर लेते हैं इसी के साथ कंटिन्यू, देखेंगे जो भी होगा एडजस्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और क्योंकि इन लोगों ने रॉक भैया और ये वाले शज़ाम को एक साथ एक ही स्क्रीन पे कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश नहीं करी है, नहीं दिखाया एक स्क्रीन पे, तो हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है, और वो है शज़ाम विज़र्ड की, क्योंकि ब्लैक एडम में हम लोगों ने वही सेम शज़ाम विज़र्ड देख लिया है जो हम लोगों ने शज़ाम पिक्चरों में देखा था, तो फिर वो कैसे दिखाओ? तो ठीक है, वो मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट के साथ में हो जाता है टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स एक ही शज़ाम विज़र्ड करके कर लेंगे मैनेज जैसे तैसे। लेकिन यहां पर आती है एक तीसरी पॉसिबिलिटी और वो है स्मार्टनेस वाली पॉसिबिलिटी। मे बी ऐसा हो सकता है कि जेम्स गन जब अपनी स्लेट को अनाउंस करें तो वो शज़ाम को लेकर कुछ भी ना बोले, क्योंकि उनको पता है कि इस साल शज़ाम मूवी आने वाली है, और उन्होंने पहले भी कहा है कि वो अपनी स्लेट का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट अनाउंस करेंगे, तो प्रॉबेबली 3-4 मूवीज का अनाउंसमेंट होगा, जिसमें से एक सुपरमैन हमको ऑलरेडी पता है, और हो सकता है कि एक या दो छोटी सीरीज हो, जैसे कि पीसमेकर का सीजन 2, और उसके अलावा वंडर वुमन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, प्लास्टिक मैन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ग्रीन लैंटर्न का कुछ हो सकता है,
मतलब कुछ छुटपुट सुपर हीरोज का कुछ होगा, कुछ भी मेजर नहीं। और ऐसे करके वो शज़ाम को तो पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्च में शज़ाम की मूवी आ रही है, और अगर उन्होंने शज़ाम से रिलेटेड कुछ भी बोला तो जितने भी लोग शज़ाम मूवी को देखने जाने वाले थे वो भी नहीं जाएंगे। इसीलिए वो शज़ाम के फ्यूचर को लेकर एकदम चुप हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलने का, एकदम सुमड़ी में कट लेने का। एंड दैट वुड बी प्रीटी स्मार्ट एज वेल, क्योंकि अगर आप अपनी स्लेट का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर अनाउंस कर देते हो तो फिर आपको काफी लंबे टाइम तक कुछ भी अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। एंड देन यू कैन जस्ट वेट एंड सी कि शज़ाम 2 का परफॉर्मेंस कैसा आता है, और अगर शज़ाम 2 अच्छा परफॉर्म कर लेती है तो फिर आप इसी वाले ज़ैकरी लेवी के शज़ाम के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो फिर आप इसको रिबूट करके शज़ाम के लिए नए प्लान्स बना सकते हो। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हम शज़ाम 2 के ट्रेलर के ऊपर भी ध्यान दें तो पूरी की पूरी मूवी जो है वो बहुत ही अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि ट्रेलर लुक्स ऑसम, मतलब सेट पीसेस अच्छे हैं, जाइगेंटिक बैटल्स और अच्छे खासे मॉन्स्टर्स को क्रिएट किया गया है। टू बी ऑनेस्ट, मैन ऑफ स्टील लेवल का डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है हमको, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एंटागनिस्ट उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं हो रहे हैं। आई मीन जो विलन्स हैं वो कॉमिक बुक्स में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता अगर कॉमिक बुक्स में नहीं भी है तो इट डजंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट मेमोरेबल तो हो। शज़ाम की आखिरी बैटल एक ड्रैगन से हो रही है, और ऑफकोर्स इट मेक्स फॉर ए गुड स्पेक्टिकल, मतलब वो हमको देखने में अच्छा लगेगा एक 3D चश्मे के साथ बड़ी स्क्रीन पर, लेकिन वो विलन को एक कैरेक्टर प्रोवाइड नहीं करता। पर ठीक है, जो कुछ भी है, मैं अपने सारे जजमेंट्स और सारी चीजें मेन मूवी के लिए रिजर्व करके रखना चाहता हूं। जो मुझे लगता था मैंने आप सबको बता दिया। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है। क्या आप शज़ाम 2 फ्यूरी ऑफ द गॉड्स को लेकर एक्साइटेड हो, नहीं हो, सब चीजें मुझे कमेंट्स में बताना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका क्या थॉट है। जाने से पहले कॉमिक वर्स से, मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। मैं बोलता जाता हूं थोड़ा सा ऐसे, मैं कैरिड अवे हो जाता हूं, जो मेरे दिमाग में आता है मैं वीडियो बना देता हूं। यार आपको क्या लगता है मुझे बता रहे, गाली वाली मत देने जाता। इन सारी फाइल्स को हम करेंगे क्या, सबको सस्पेंड करेंगे। Get lost. जितने भी बेरोजगार हैं, अंगूठा छाप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सारे खड़े हैं। अपॉइंटमेंट लेटर पर सिर्फ सिग्नेचर की जरूरत है।